भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर है और आज महेंद्रगढ़ युवा मोर्चा ने नरेंद्र भाई मोदी का 71वां जन्मदिवस है। तो आज श्री जयराम सदन महेंद्रगढ़ में युवा मोर्चा की टीम ने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे विचार संसार के स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माँ के चित्रों पर हमने पुष्प अर्पित करके आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता श्री दिनेश फोगाट SDM महेंद्रगढ़ कर रहे हैं, युवा मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी अजीज वरुण श्योराण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, पवन खैरवाल युवा मोर्चा के जोगिंद्र है और नवीन और सारे जो भाजपा के 5 मंडल हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, दिनेश यादव नांगलसरोई मंडल के अध्यक्ष, विवेक यादव महेंद्रगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष, सतवीर सिंह पाली मंडल के अध्यक्ष और महेंद्रगढ़ नगर के मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी, हमारे महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बोहरा जी हैं, पार्षद JB सैनी हैं, नवरंग सिंह तंवर हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, अमित भारद्वाज जिला के मंत्री हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं और 71 यूनिट ब्लड आज यहाँ इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है। और नरेंद्र भाई का जो जन्मदिन है 17 से लेकर के 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर को 2021 को नरेंद्र भाई मोदी का 20 साल का सार्वजनिक कार्यकाल पूरा होगा। 20 साल के कार्यकाल में 12 साल 7 महीने वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, टूटा फूटा गुजरात था, कहीं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी और वहाँ गुजरात का कायाकल्प किया अपने मुख्यमंत्री काल में, और 7 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के नाते पूरा होगा। 20 साल में एक ही नेता हिंदुस्तान में है जिसने कभी कोई एक घंटे की भी काम से छुट्टी नहीं ली, कभी पिकनिक पर नहीं गए, कभी कोई किसी तरह का 18-18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ये पर्व हम मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का ये कार्यकाल है और आज उसी अवसर पर हम महेंद्रगढ़ युवा मोर्चा की टीम ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी कितना यूनिट हो गया है और ये 3 बजे तक 71 यूनिट रजिस्ट्रेशन ज़्यादा का हुआ है, परंतु वो जो टीम आई है हॉस्पिटल से उन्होंने कहा जी हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है इससे ज़्यादा की। इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विक्की तंवर को, दूलोठ वाले संदीप बोहरा को, सबको। पैथोलॉजिस्ट, तो मुझे पता लगा कि कैंप है आज यहाँ पे, मेरी ऊपर सिविल सर्जन ने ऑर्डर लगाया कि यहाँ पे आपको ब्लड कैंप करना है। अरेंजमेंट सारा बढ़िया से हो रखा है, बैठने के बाद पोस्ट जो हमारा ब्लड डोनेशन के बाद जो भी लोग हैं उनकी बैठने की सुविधा ठीक से की है, उनको रिफ्रेशमेंट भी अच्छे तरीके से दिया गया है। अभी तक 40+ यूनिट आ चुके हैं और जिस तरह से कैंप चल रहा है लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल पाएगा। क्रम इस विश्व के सबसे बड़े नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म उत्सव पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ श्री जयराम सदन
जो माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का निवास स्थान है, यहाँ पर आयोजन किया गया। कि युवा मोर्चा के अनेक साथी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर के, क्योंकि इन देश के प्रत्येक युवा के साथ साथ इस महेंद्रगढ़ का भी युवा एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानता है और अपना गुरु मानता है, अपना नेता मानता है, और अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हुए ये महेंद्रगढ़ के युवा साथी आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुँच करके रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रेम प्रकाश, आज इस रक्तदान शिविर के अंदर यहाँ पर हमारी टीम आई हुई है रेड क्रॉस की। हमारे वॉलंटियर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगभग यहाँ 35-40 के आसपास यूनिट डोनेट हो चुकी है, और ये मुझे लगता है कि हमारे जो ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके 70th बर्थडे पर है, और ये शायद 71 से ऊपर सैकड़ों की संख्या में युवा है यहाँ पर और पार होगी। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में युवा बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत उत्तम है, खाने पीने की, रिफ्रेशमेंट की, डॉक्टर्स की, हर तरह की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कैंप स्मूथ चल रहा है। थैंक यू। अभी तक कितने यूनिट ले? अभी तक 35 के आसपास यूनिट हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, और अभी हम देख रहे हैं युवा किस तरह से उत्साहित है कैंप में ब्लड डोनेशन करने के लिए, और मुझे लगता है 100 के पार जाएगा। विधानसभा बीजेपी पार्टी की छावनी है, और यहाँ हर महोत्सव पे महेंद्रगढ़ का पूरे हरियाणा में 50% रहता है हिस्सेदारी, चाहे चुनाव में, ब्लड ग्रुप डोनेशन में, और कार्यकर्ता का उत्सव ऐसा एक माहौल हो जाता है जैसे एक त्यौहार का उत्सव बनाया जाता है। तो आज जो महेंद्रगढ़ में जो कैंप लग रहा है, ये आल हरियाणा का सबसे टॉप कैंप होगा जिसमें 100 यूनिट से ज़्यादा होंगे। प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के ऊपर रामविलास शर्मा जी ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें 71 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया रामविलास शर्मा जी के एक बुलावे के ऊपर महेंद्रगढ़ में। आज आपने देखा ही होगा शमशेर जी, कैसे सैकड़ों की संख्या में और यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा पार्टी सेवा व समर्पण दिवस मनाती है, उस उपलक्ष्य में महेंद्रगढ़ की आन बान शान प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। माननीय SDM साहब जी, दिनेश कुमार जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। युवा मोर्चा के प्रभारी वरुण शौरण जी व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राहुल राणा जी इसमें विशेष अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 यूनिट का ब्लड यूनिट का टारगेट था, तो 71 यूनिट ब्लड यूनिट तो हो गई है। बाकी आप देख सकते हैं इस साइड में अभी चल ही रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। साल में हर साल तो मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वैसे 2-4 बार जयराम सदन सतनाली चौक पे या सतनाली फार्म हाउस पे चलता रहता है ब्लड डोनेशन कार्यक्रम। रामविलास शर्मा जी के कहे अनुसार महेंद्रगढ़ भाजपा की छावनी है, सदैव ही यहाँ पे कार्यकर्ता युवा बढ़ चढ़ के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। आपने आज देखा होगा कितनी भारी हजूम है, युवा है, जागरूकता साथ ले रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हरियाणा की आन बान शान प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद।